तो देखिए अभी पहले बात कर लेते हैं ऐसे लोग जो लोग ब्लू लाइन और रेड लाइन से परिचित नहीं हैं या फिर परिचित हैं तो उनको ये नहीं पता है कि आखिर ये होता क्या है, इसका ये टेक्निकल टर्म किस हिसाब पे ये डिसाइड होते हैं, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन्स है, ये कहीं पे आपकी मार्किंग नहीं की जाती है लाइन पे। तो इमेजिनरी लाइन बनाई कैसे जाती है, पहले ब्लू लाइन होता है या पहले रेड लाइन होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इस बात को पहले समझ लेते हैं। देखिए ये बनाया इस आधार पे जाता है कि आखिर 100 सालों में जो सबसे मैक्सिमम वाटर लेवल चढ़ के जाता है उस लोकेशन को, उस जगह को रेड लाइन बना दिया जाता है। इसको एवरेज 100 ईयर्स का लिया जाता है और 25 साल का एवरेज पकड़ा जाता है कि वहाँ पे जो फ्लड डिस्चार्ज हुआ वो कहाँ तक उसकी लिमिट आई थी। तो अब मान लीजिए अगर रेड लाइन, क्योंकि 100 साल का एवरेज पकड़ा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो रिवर का सेंटर पॉइंट होगा वहां से सबसे दूर ये होगा, और जिसका 25 साल का एवरेज लिया जा रहा है वो उससे थोड़ा कम होगा, क्योंकि फ्लड डिस्चार्ज, अचानक पानी बढ़ गया, बारिश होने से डैम ओपन हुआ, तो कहां तक आ रहा है, वो ब्लू लाइन है। अब इसमें रूल क्या है आपको समझा देते हैं। देखिए अब ये समझिए, दो ये बीच में अगर आपका रिवर है, इमेजिन आप भी करिए, इमेजिनरी लाइन को इमेजिन करके समझते हैं, तो 25 साल का जो एवरेज निकाल के बनाया गया है वो यहाँ पे आके आपका ब्लू लाइन है, 100 ईयर का जो एवरेज बनाया गया उसका रेड लाइन यहाँ पे है। अब यही चीज़ यहाँ पे भी होगी, यानी कि ये आपकी ब्लू लाइन और यहाँ पे रेड लाइन। तो जो आपका ये ब्लू लाइन है और ये जो ब्लू लाइन है इसको बोलते हैं प्रोहिबिटेड जोन, यानी कि यहाँ सख्त मनाही है किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन के लिए। और जो आपका ये ब्लू लाइन है, यहाँ से जो आपका रेड लाइन आ रहा है, दोनों तरफ इमेजिन करिए, ये वाला पट्टा, ये ब्लू लाइन और रेड लाइन, इधर ब्लू लाइन और रेड लाइन, इसके बीच के दोनों पट्टों में, इसे रिस्ट्रिक्टेड जोन कहा जाता है। तो अब ये है क्या, यानी कि एक तरफ रिस्ट्रिक्शन है, पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड नहीं है। तो जो प्रोहिबिटेड जोन है, यानी कि जिसमें नदी का जो नॉर्मल फ्लो रहता है वो आ गया आपका, प्लस आपका इधर का ब्लू लाइन और इधर का ब्लू लाइन, इसके बीच में आप सिर्फ और सिर्फ गार्डन, कल्टिवेशन, इन सब चीजों के लिए प्रयोग में ला सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रोहिबिटेड जोन है, यहाँ पे ऐसी चीज है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं, नॉर्मल ऐसी आपने गार्डन कर लिया, बच्चे खेल रहे हैं, और प्लस आपका जो है एक तरीके से वहाँ से आना जाना है नॉर्मल इस तरीके से, तो वो आप कर सकते हैं इस प्रोहिबिटेड जोन में। अब बात करते हैं रिस्ट्रिक्टेड जोन की, यानी ब्लू लाइन और रेड लाइन के बीच में। तो ये 1989 में ये रूल लाया गया था, जो 100 ईयर का मैंने एवरेज आपको ब्लू लाइन के बारे में बताया, रेड लाइन और ब्लू लाइन 25 साल का एवरेज फ्लड डिस्चार्ज का, तो इसके लिए रूल जो ये बनाया गया ये 1989 में बनाया गया, और जो महाराष्ट्र में इसका अमेंडमेंट आया है वो आया है 2018 में। 2018 में ये सहूलियत दे दी गई कि जो आपकी ब्लू लाइन और रेड लाइन है इसके बीच में आप रोड बना सकते हैं, आप जो है एक तरीके से ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई यहाँ से दे सकते हैं, आप सीवेज की लाइन यहाँ पे दे सकते हैं, आप यहाँ पे पब्लिक रोड बना सकते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे लगा सकते हैं आप। तो आप समझिए पहले यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्टेड था, ये सब चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन ये बाद में रूल अमेंड कर दिया गया और यह भी कहा गया कि जो आप रोड बनाइए वो ब्लू लाइन के ऊपर ही रहे, प्लस अगर आपका जो कंस्ट्रक्शन पीछे हो रहा है तो उसका प्लिंथ लेवल भी ब्लू और रेड लाइन से ऊपर हो, जिससे इवैक्यूएट किया जा सके कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, फ्लड की सिचुएशन में। अब इसमें अभी जो नया DCR रूल आया है इसमें भी थोड़े परिवर्तन किए गए हैं, जो गौठान एरिया है या हाईली डेंस एरिया है जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ पे किसी भी तरह का नया कंस्ट्रक्शन ब्लू और रेड लाइन में अलाउ किया जा रहा है, खासकर जो गौठान सर्कल है वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे उसके आगे पीछे कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं, बीच में कुछ पैचेज बचे हैं जहाँ नहीं हो पा रहे हैं, जिनके पास ज़मीन ही नहीं है, कहीं रहने के लिए कुछ उपाय नहीं है, वो वहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि वंस इन अ ब्लू मून वहाँ पे कभी पानी आएगा तो उस समय के लिए वहाँ पे लोगों को इवैक्यूएट किया जा सकता है। अभी इतने मास लेवल पे डिमोलिशन नहीं किया जा सकता, आखिर अभी तो सबको सबको घर मिले इसकी मुहिम चलाई जा रही, फिर उनको बेघर कैसे किया जाए, तो इस वजह से ऐसे लोकेशन पर वहाँ कंस्ट्रक्शन अलाउ किया गया। लेकिन जो गौठान सर्कल में नहीं आते हैं, जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं वहाँ पे किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ब्लू और रेड लाइन में अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट जो हमने आपको इसके पहले बताया, रोड, पब्लिक रोड और बाकी जो गैस पाइपलाइन, सीवर लाइन, ड्रिंकिंग लाइन, ये सारी चीज़ें। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ब्लू लाइन क्या है, रेड लाइन क्या है, उनके बीच में फ़र्क क्या होता है, कहाँ पे प्रोहिबिटेड है, कहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड है तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे की जा सकती हैं। आशा करते हैं साथियों आप सभी को सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा होगा, प्रोत्साहन अपना देते रहें, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।